सूजी की आइसक्रीम बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी सूजी की ली है। तो यहाँ मैंने पैन लिया है और पैन भी मैंने गैस ऑन कर दिया, तो हम लोग थोड़ा गर्म होने के लिए रख देंगे पैन को। और जो हम लोगों की पैन थी, कढ़ाई थी, वो गर्म हो चुकी है। तो इसके अंदर हम लोग को सूजी डालनी है और सूजी को हमें 2 से 3 मिनट तक थोड़ा इसका हल्का ब्राउन कलर करना है। तो हम इसको थोड़ा घुमाएंगे, तो हम इसको 2 मिनट के लिए घुमाते रहना, जिससे इसका कलर जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको ऐसे ही घुमाते रहना है। तो देख सकते हैं हम लोग की सूजी हल्की हल्की सिकना स्टार्ट हो गई है। यहाँ आप सूजी का यूज़ इतना कर सकते हैं जितना आपके घर में मेंबर हैं। तो देख सकते हैं इसका कलर ब्राउन हो चुका है। तो इस गैस को कर देंगे हम लोग ऑफ। और सिकने सूजी सिकने के बाद इसकी खुशबू कितनी अच्छी आती है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इसके अंदर मैंने 1 गिलास होता है वो दूध का लिया है, तो दूध भी इसके अंदर डाल देंगे। और दूध के अंदर मैंने मलाई ली है, मलाई का यूज़ किया है, तो इसको भी डाल देंगे अच्छे से। और इसको अच्छे से घुमाते रहेंगे। देख सकते हैं इसके अंदर हमें हल्का सा दूध और डालना है क्योंकि इसको थोड़ा और पतला करना है। और ये मैंने 1/2 गिलास दूध और लिया, तो 1/2 गिलास दूध को भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी के अंदर। इस तरीके से हमें इसको चलाते रहना है और गैस की हमें ऑन कर देनी है। तो अच्छे से बैटर तैयार हो चुका है। तो मैंने इसके अंदर हल्का सा दूध और डाल दिया था और मैंने इसके अंदर इलायची का यूज़ नहीं किया है। तो आपके पास इलायची है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इलायची बिल्कुल पसंद नहीं है आइसक्रीम के अंदर, तो आप इसके अंदर डाल भी सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है बैटर, तो हम इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने सूजी का पेस्ट निकाल लिया है, तो थोड़ा ठंडा हो चुका है हम लोग का सूजी का पेस्ट। तो ये मैंने मिक्सी जार लिया है, तो हम लोगों का जो सूजी का पेस्ट था उसके मिक्सी जार के अंदर डालना है, जिससे हम लोग की सूजी जो मोटी होती है वो भी अच्छे से पिस सके। तो हम इस तरीके से पूरा पेस्ट को डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी होती है, शुगर होती है वो ली है, तो इसको भी इसके अंदर डाल देंगे मिक्सी जार के अंदर। इन सभी को अच्छे से ग्राइंडर कर लेंगे, अच्छे से पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंडर कर लिया, और इसको निकाल के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं पेस्ट अच्छे से बनके तैयार हो चुका है सूजी के लिए, हम लोग की आइसक्रीम बनाने के लिए। तो इसके अंदर मैंने हल्का सा दूध जो हम लोग मैंने ग्राइंडर किया था तब थोड़ा डाला था, तो आप इसके अंदर हल्का सा दूध और डाल सकते हैं ग्राइंडर करते टाइम। तो इसको हम निकाल लेंगे। और ये मैंने 1 साइज के 2 कटोरे लिए हैं, तो कटोरे के अंदर हमें पेस्ट डालना है, दोनों के अंदर बराबर बराबर पेस्ट डालना है हम लोग को। पेस्ट दोनों में डल चुका है। आइसक्रीम को हम लोग फ्रीजर करने के लिए ये मैंने स्टैंड लिया है, तो इसके अंदर हम लोग आइसक्रीम होती है जो पेस्ट बनाया है सूजी का उसको डाल देंगे। तो मैंने सभी जो रैक होते हैं उसके अंदर अच्छे से डाल दिया है, तो इसको हम लोग पैक करते हैं यानी बंद कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैंने पैक कर लिया है, तो हम लोग का पेस्ट बच चुका है। तो जो हम लोग का पेस्ट बचा हुआ था उसको मैंने इस जो ये डब्बे होते हैं इसके अंदर डाल लेना है, जिससे इसकी डिज़ाइन भी अलग निखर के आएगी। पेस्ट था वो भी इसके अंदर डाल लिया है, तो इनको भी अच्छे से बंद कर लेना है।
इस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने इसको भी पैक कर लिया है। तो हम दोनों के जो रैक, जो आइसक्रीम जमाने का जो स्टैंड होता है, दोनों के अंदर अच्छे से डाल लिया आइसक्रीम के पेस्ट को। तो अब इसको फ्रीजर में रख देते हैं। तो हमें फ्रीजर के अंदर इसको 5 से 6 घंटे के लिए रखना है। आप देख सकते हैं मैंने दोनों को फ्रीजर में से निकाल दिया है, तो देख सकते हैं तो थोड़ी ठंडी है। तो हमें इनको थोड़ा, इनको निकालने के लिए ये मैंने गर्म पानी लिया है। तो गर्म पानी के अंदर सबसे पहले मैं इनको रखूँगी थोड़ी देर के लिए। गर्म पानी में रखने से जो हम लोगों की आइसक्रीम है वो जल्दी निकल जाएगी। अब इसमें से निकाल लेंगे और हम इसको चेक करेंगे कि हम लोग की आइसक्रीम बनी है नहीं बनी है। इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है, तो देख सकते हैं कितनी अच्छी आइसक्रीम लग रही है और खाने में इसको मजा आ जाएगा, इतनी टेस्टी लग रही है। तो अभी भी इसे खाने का मन कर रहा है, तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी आइसक्रीम लग रही है। तो इस तरीके से हमें सभी आइसक्रीम को निकाल लेनी है। तो गाइस देख सकते हैं कितनी अच्छी और टेस्टी हम लोगों की आइसक्रीम लग रही है, और वो भी सूजी की। तो आप इसको घर पे आसान तरीके से बना सकते हो। तो हम लोग के सिंपल तरीके से सूजी से आइसक्रीम बनाने की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।